हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं पिरामल एंटरप्राइज के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 15 जुलाई 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज क्या हुआ इस स्टॉक में। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आज PEL जो है वो -1.37% पे गिरा है और यहाँ पे उसने 2289.65 पे इसकी क्लोजिंग की है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें क्या हो सकता है और कल क्या ये अपसाइड मूवमेंट देगा या डाउनसाइड मूवमेंट देगा, उस बारे में भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वन डे के चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि वन डे के चार्ट पे देख सकते हैं, ये जो वॉल्यूम है बहुत ही कम है, लेकिन बहुत दिनों से यहाँ पे जो है वो डाउनसाइड मूवमेंट आ रही है और यहाँ पे आपको डाउनसाइड मूवमेंट और भी ज़्यादा देखने मिल सकती है आने दिनों में, क्योंकि यहाँ पे जो है इसने अपने 20 EMA को यहाँ पे क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी है। तो मोस्टली यहाँ पे आपको और डाउनसाइड देखने मिल सकती है। कितना तक डाउनसाइड देखने मिल सकती है उस बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ये 1 hour के चार्ट पे जो है वो आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इसने इतने दो तीन यहाँ पे चार पाँच दिन से यहाँ पे जो है कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आज इसने ब्रेकडाउन दे दिया और यहाँ पे इसने नीचे की साइड पे इसकी क्लोजिंग भी दे दी। तो यहाँ पे जो है अब और भी डाउनसाइड आ सकता है और कहाँ तक आता है उसको भी हम मार्क करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो उसका एक सपोर्ट एरिया बन सकता है, मतलब 2255 तक यहाँ पे और डाउन जा सकता है। और हुआ अगर यहाँ पे अगर और भी नेगेटिव इम्पैक्ट रहा मार्केट में, तो यहाँ पे ये जो है वो उसका मेजर सपोर्ट जोन बन सकता है, जो है 2201 या 2200 भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो है उसका मेजर सपोर्ट बन सकता है, यहाँ से आपको अपसाइड की मूवमेंट देखने मिल सकती है। उसके पहले यहाँ पे आपको अपसाइड की मूवमेंट बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेगी। अगर थोड़ा सा अपसाइड भी आया तो यहाँ पे आपको जो है वो एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा। जो है 2319 का यहाँ तक का आपका अपसाइड मूवमेंट आ सकता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनसाइड मूवमेंट ही दिखेगा। फिर यहाँ पे जो है अपसाइड मूवमेंट एक बार आने लगा, अगर यहाँ पे उसने क्लोजिंग दे दी उस अपसाइड मूवमेंट 2319 के ऊपर की, यहाँ पे 2348 का भी आपको यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट दिख सकता है। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा कन्फर्मेशन आपको मिल रहा है। अगर यहाँ पे आपको डाउनसाइड, मोस्टली यहाँ पे डाउनसाइड का एक यहाँ पे कन्फर्मेशन है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहाँ पे आपको डाउनसाइड ही जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहता है, तो यहाँ पे आपको अपसाइड मूवमेंट भी देखने मिल सकती है और यहाँ पे फिर थोड़े टाइम बाद अपसाइड से फिर सीधा डाउनसाइड बड़ी डाउनफॉल देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे मे भी 2319 तक यहाँ पे ऊपर जाए, फिर यहाँ से आपको बड़ा सा डाउनसाइड देखने मिले 1 hour के चार्ट के अंदर। बहुत ही फास्ट आपको डाउनसाइड देखने मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको सावधानी से इस पे ट्रेड करना है। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।